प्लीज। और आज हम देखेंगे डिव के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिव का हम यूज क्यों करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। अब मेरे पास हो सकता है मोर देन वन पैराग्राफ हो या एक से ज़्यादा पैराग्राफ हो। सपोज मेरे पास ये हमने 1, 2, 3। अब क्या मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही सी एस एस मीन्स एक ही सी एस एस पर अप्लाई करूँ। मीन्स मैं मेरे पास ये जो मल्टीपल पैराग्राफ है इन पे एट ए टाइम मतलब एक ही साथ में सारी सी एस एस अप्लाई कर दूँ। मीन्स मैं एक जगह चेंज करूँ। सपोज मैं इन पे सेम कलर लेना है तो मैं एक ही जगह चेंज करूँ कलर और वो सारे पे अप्लाई हो जाए। मैं सारे पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं डिव। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं एक नई फाइल क्रिएट करते और यहाँ पर हम लेते हैं और इसको सेव करते हैं हम डेस्कटॉप पर और इसको हम लेते हैं div.html। यहाँ div example ले लेते हैं example.cs। तो ये हमने क्या किया एक अब इसमें हम सबसे पहले अपना बेसिक जो कोड होता है HTML का हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HTML देन HTML के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर HTML के अंदर हम क्या लेते हैं हमारा हेड। तो ये हमने लिया हेड। हेड के अंदर हम लेंगे टाइटल। तो यहाँ हमने लिया टाइटल और टाइटल में हम लिखेंगे डिव एग्जांपल एग्जांपल देन इसके अंदर हम क्या लिखेंगे बॉडी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी। अब बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं H1 ले लेते हैं हेड टैग ले लेते हैं H1 और यहाँ पर लिखते हैं हेलो दिस इज यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज डिव एग्जांपल एग्जांपल देन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेम यहाँ पर हम एक और ले लेते पैराग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एक पैराग्राफ देन इसके नीचे हम एक बटन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक बटन बटन और बटन में हम वैल्यू देंगे सबमिट सबमिट और बटन पर जो टेक्स्ट होगा वो हम कर देते सेव अब हम क्या करते हैं इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा डिव एग्जांपल ये हमने क्या किया इसको रन किया ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इन सभी का जो बैकग्राउंड कलर वो एक साथ चेंज हो जाए। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं इसको लेते हैं डिव के अंदर। तो यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे डिव और ये जिस जिन भी पार्ट को हमें एक साथ करना है उसको हम लेते हैं डिव के अंदर देन अब इस डिव के अंदर हमें देना होगी एक क्लास। क्लास का क्या काम का क्लास का क्या काम होता है यहाँ पर हम देते हैं क्लास और इसको हम देते हैं हाई। इस क्लास का हमने क्या नाम दिया हाई। अब हम आते हैं अपनी अब एक बार हम क्या करते हैं सॉरी यहाँ पर अब हम आते हैं अपनी स्टाइल शीट पर और यहाँ पर हम क्या करते हैं इस हाई जो क्लास है तो क्लास के थ्रू हम क्या करते हैं यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेंगे हाई बट यहाँ ऑलरेडी यह क्लास है तो इसके लिए सामने आपको लगाना होगा डॉट। जो भी हम क्लास लेते हैं उसके आगे हमें लिखना होता है
क्या होता है डॉट। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर मैं सपोज इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम करते हैं रेड, यहाँ पर हम लिखते हैं रेड और इसको सेव करते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोग्राम को रन करेंगे, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हमने लिखा हाय और यहाँ पर एक्सटर्नल सी एस, सॉरी हमने यहाँ पर इसमें पाथ हमें देना होगा स्टाइल शीट का, तो यहाँ पर हमने पाथ के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर लिंक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अपनी जो स्टाइल शीट सॉरी हमारी जो स्टाइल शीट है उसका पाथ देंगे, तो यहाँ पर हम देंगे लिंक, देन इसको क्लोज करेंगे। अब लिंक में यहाँ पर हम देंगे रियल और इसका क्या होगा स्टाइल शीट, ये हमने इसका रिलेशन बताया स्टाइल शीट है, देन एच आर एफ और ये एच आर एफ में हम क्या देंगे हमारी इसका नेम देंगे, तो यहाँ पर हम देंगे स्टाइल शीट डॉट सी एस एस। देन यहाँ पर इसका एक और हमें क्या देना होता है इसका टाइप, तो यहाँ पर हम देंगे टाइप और टेक्स्ट स्लैश सी एस एस इसका टाइप होता है। अब हम क्या करते हैं इसको रन करके देखते हैं, ये आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। अब अगर यहाँ पर मैं हम इसका बैकग्राउंड कलर और कुछ रखते हैं, सपोज़ हम यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर और कुछ रखते हैं, सपोज़ मैं रखता हूँ ब्लू, देन हम इसको रन करते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इसको हम रन कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर आप कलर कोड भी दे सकते हैं, तो वो अब आगे देखेंगे कलर कोड किस तरह दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।